सो गाइस, सबसे पहले आप उनको स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके और आपको यहाँ से पेंसिल पे जाना है। उसके बाद आपको ट्यून इमेज पे जाना है। ट्यून इमेज के आने बाद यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है और सैचुरेशन को घटाना है और एम्बियंस को बढ़ा के, हाईलाइट को बढ़ा के और शैडो को बढ़ा के और राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से थ्री कॉर्नर पर क्लिक करके एंड वेब एडिट्स पर क्लिक करना है। वेब एडिट्स पर क्लिक करने के बाद ट्यून इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओपेसिटी को 100% कर लेना है और अपने स्किन पे इसको अप्लाई करना है। सो गाइस, इतना होने के बाद यहाँ से आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाओगे उसके बाद फिर से आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिर से ट्यून इमेज पे जाना है। ट्यून इमेज को आपको क्लिक करना है और यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज करना है और एम्बियंस को बढ़ाना है और हाईलाइट को और शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद फिर से यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से वेब एडिट्स पे क्लिक करना है। वेब एडिट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इन्वर्ट कर लेना है। इन्वर्ट इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से इन्वर्ट कर लेना है और ऑपेसिटी को 0 कर देना है और अपने स्किन से इसको हटा लेना है। गाइज, इतना होने के बाद यहाँ से फिर से आपको राइट पे क्लिक करना है और यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद फिर से आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। लेंस ब्लर को आपको सिलेक्ट करना है और इसको इस तरीके से नीचे की ओर कर देना है और इसका ब्लर स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा देना है, 60 कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से आपको वेब एडिट्स पे जाना है। वेब एडिट्स पे जाने के बाद लेंस ब्लर पे जाना है और यहाँ से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑपेसिटी को आपको 100 कर देना है। इसका जो लेंस ब्लर का ऑपेसिटी है इसको 100 करके आना है, अपने बैकग्राउंड पे इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। भाई, इतना होने के बाद यहाँ से आपको फिर से राइट पे क्लिक करना। इतना हो जाने के बाद यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से बाहर आ जाना है और फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके एंड एक बैकग्राउंड को आपको ऐड करना है, पीएनजी को आपको ऐड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गाइज, पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से ओपेसिटी पे जाना है, ब्लेंडिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको लाइटन इसको कर देना है। लाइटन कर दोगे एंड आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है और फ़ोटो को सेव करने के लिए यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू डिवाइस आपको कर लेना है।